द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी बबल बॉय। तो कहानी की शुरुआत होती है, एक बच्चा जन्म लेता है। वैसे बच्चे तो पैदा होते रहते हैं, पर इस बच्चे की खास बात यह रहती है, या फिर कह लो इसकी बदकिस्मती यह रहती है कि ये ऊपर से पैदा तो नॉर्मल हुआ था, पर बेचारे के शरीर में झाट बराबर भी इम्यून सिस्टम वाला बैक्टीरिया नहीं था, जिस वजह से इसकी हालत ये थी कि ये दुनिया में जी ही नहीं सकता था। नॉर्मल हवा में सांस लेते ही ये टेम्बल जाता। पर क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए स्पेशल होता है, तो इसके माँ बाप भी इसे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये है मिस्टर और मिसेज लिविंगस्टोन, और इसका नाम रहता है जिमी। तो ये जब 4 साल का हो जाता है तो ये लोग इसे घर लाते हैं और इसके पूरे कमरे को ही बबल में पैक कर देते हैं, ताकि इसके तक पहुंचने वाली हर हवा और खाना जर्म्स फ्री रहे। खैर, क्योंकि इसे बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं था, तो इसे भी इसमें रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। खिड़की से बाहर के बच्चों को खेलता देख इसे ही बाहर खेलने की चिल नहीं मचती। पर बचपन की बात अलग है। बड़े होने के बाद एक दिन इसके पड़ोस में एक लड़की आती है, जिसे देखकर इसके अंदर के लड़कों वाली डिफॉल्ट सेटिंग ऑन हो जाती है। हाँ, डिटेल में बताया तो उसे देखकर इसका पप्पू खड़ा हो जाता है। ये खिड़की से इसे रोज देखा करता था। वैसे इसका नाम क्लोई था और ये देखने में ठीक ठाक था, तो वो भी इसे देखा करती थी। तो कुछ वक्त तक देखा देखी करने के बाद एक दिन जब ये मोहल्ले के लड़कों के साथ घूम रही थी, तो इसके बारे में बात करने पर इसे इसके बारे में एक अफवाह पता चलती है कि पूरे मोहल्ले में ये अफवाह फैली हुई है कि ये पानी की जगह अपना ही मूत पीता है। हद है साले कमीने। खैर, ये बात सुनने के बाद इसे भी गुस्सा आता है और गुस्से के साथ इसके बारे में जानने की चाह भी। तो ये फाइनली इससे मिलने जाती है। वो तो चलो इस वक्त इसकी माँ घर पर नहीं थी, वरना ये इससे मिल नहीं पाती और मूवी यहीं खत्म हो जाती। खैर, इसका बाप ऐसा नहीं था, ये इसे अंदर आने दे देता है, जिसके बाद ये दोनों फाइनली मिलते हैं। वैसे अफवाह सिर्फ इसके बारे में ही नहीं फैली थी, इसे बाहरी दुनिया से लगाव ना हो इसके लिए इसकी माँ हर चीज के बारे में इसे नेगेटिव बात बताकर रखी थी, और खासकर इसे कहीं खिड़की से इसे देखते देखते लगाव ना हो जाए, इसके लिए इसकी माँ ने इससे कहा था कि ये धंधे वाली है। पर बेचारी इसे इसका मतलब बताना भूल गई थी, तो इसे लगता है कि ये कोई नाम है, पर ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं थी कि थैंक गॉड चलो इसे धंधे वाली का मतलब पता नहीं है। क्योंकि इसे देखते ही ये अपना मुंह खोलते ही इसे धंधे वाली कह देता है कि और धंधे वाली कैसी हो। वो तो चलो शुक्र है कि क्लोई समझदार थी, तो जब इसे पता चलता है कि ये सब उसकी माँ ने उससे कहा है, तो ये बात को लाइटली लेती है और इसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है, जिसके बाद दोनों ज्यादातर वक्त साथ में ही बिताया करते थे। पर अफसोस, इसी तरह जब कुछ साल और बीत जाते हैं और दोनों पूरी तरह से जवान हो जाते हैं और इससे भी इससे प्यार हो जाता है, तो एक दिन ये अपने बर्थडे के दिन नशे की हालत में इससे अपने प्यार का इजहार करने आती है और इसे किस करने के लिए इसके बबल में आने की जिद करने लगती है। पर क्योंकि इसके अंदर आते ही बैक्टीरिया भी अंदर आ जाते, तो ये इसे रोक देता है, जिसके बाद बस फिर क्या, कॉन्डम पहना जाता है, ओढ़ा नहीं जाता। तो इस बड़े से कॉन्डम की वजह से क्लोई समझ जाती है कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, तो ये किसी और से शादी करने का डिसाइड करती है। हालांकि ये जाते जाते फिर भी इससे अपने प्यार का इजहार इनडायरेक्टली करने आती है कि बस वो एक बार उसे रोकने का ट्राई करे तो वो रुक जाएगी। पर इसकी शादी की खबर सुनते ही इसका दिल टूट गया था, तो ये उसकी तरफ देखता तक नहीं। पर भैया, लड़की के चक्कर में आदमी कब्र से बाहर आ जाए तो ये किस खेत की मूली था। क्लोई के जाने के बाद जब ये उसका दिया हुआ बिस्किट का डब्बा खोलकर देखता है, तो उसमें आई लव यू लिखा हुआ था, जिसके बाद बस फिर क्या, ये उसे पाने के लिए एक छोटा कंडोम बनाता है और उसे पहनकर घर से भाग जाता है। पर बेचारे को पता नहीं था कि वो जहाँ है वहाँ से शादी के मंडप तक पहुँचने के लिए पैसे भी लगेंगे। शादी नायग्रा फॉल के पास होने वाली थी, जो कि इसके घर से 3 दिन के सफर की दूरी पर थी। तो बस फिर क्या, बस स्टॉप वाले का दिमाग पहले से खिसका हुआ था, पहचाना इसे, हमारा हैंगओवर का एलन है ये, तो ये उसमें भी पागल था और इसमें भी है, जाओ वो वीडियो भी देख कर आओ, तब पता चल जाएगा कि कितना पागल है ये। खैर, तो क्योंकि इसका दिमाग पहले से सटका हुआ था, तो इसे देखकर ये 1 सेकंड नहीं लगाता इसे भगाने में, और इसके पास पैसे भी कहाँ थे। ये इसके सामने गिड़गिड़ाते रहता है और ये इसे इग्नोर करते रहता है, इसे पता नहीं था ये उससे बड़ा पागल है। खैर, किस्मत से इसे एक ग्रुप मिल जाता है जिनका नाम ब्राइट एंड शाइनी था। इसकी मजबूरी देखकर ये इसे नायग्रा फॉल जाने तक के लिए लिफ्ट दे देते हैं, पर थोड़ी ही दूर में पता चलता है कि ये लोग इसकी मजबूरी में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि इसका फायदा उठाने के लिए इसे उठाए थे। ये लोग किसी म्यूजिक बैंड का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक कल्ट का हिस्सा थे, जो अपना अलग जीसस बनाने के मिशन में निकले थे। वो तो भला हो इसकी माँ ने इसे तमीज नहीं सिखाया था कि किसी के सामने कैसे बात करते हैं, जिस वजह से ये लोग क्योंकि चूतिया लग रहे थे तो ये इनके मुंह पर इन्हें चूतिया बोल देता है, जिसके बाद बस फिर क्या, गुस्से में ये लोग इसे बीच रेगिस्तान में बस से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर भटकने के बाद इसे स्लिम मिलता है, जो कि एक बाइक गैंग का हिस्सा था। हालांकि देखने में ये रवीना पाकम रवि लग रहा था। क्या रवीना पाकम रवि को नहीं जानते? अरे भाई, जो 5-10 किले चुका था, अरे आई मूवी उससे भी बुरा, याद आया? हाँ वही। तो देखने में ये भले ही लग रहा था कि ये 5-10 किले चुका होगा, पर बेचारे दिल का बहुत साफ था। इसकी जर्नी के बारे में सुनकर बेचारे का आंसू छलक जाता है कि कभी उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जो एक अमीर और शरीफ इंसान के लिए उसे छोड़ गई, पर खुद के लिए वो उस वक्त भले ही कुछ ना कर पाया हो, पर उसके लिए वो जरूर करेगा, वो पहुंचाएगा उसे उसकी दुल्हन तक। पर अफसोस, दिल ही साफ था, इसका हरकत शकल के जैसा ही था। रास्ते में इन्हें जुए का अड्डा मिलता है, तो ये इसे कहता है, वक्त है थोड़े पैसे कमाने का बेबी,
और इस चक्कर में जो भी पैसे थे वो भी हार बैठता है। पर जिमी का इरादा पक्का था, इसके पास 5-6 रुपए थे तो 1 रुपए के जुए में ये एक छोटा सा स्कूटर जीतता है, जिसके बाद ये अकेला यहाँ से निकल जाता है। हालांकि थोड़ी देर में स्लिम भी किसी तरह हारे हुए पैसे वापस जीत लेता है, पर वो इसे ढूंढने निकलता, ये ब्राइट इन साइन वाले जिमी को ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। और क्योंकि जिमी ने इसे बताया था इनके बारे में कि किस तरह से इन लोगों ने उसे बीच रेगिस्तान में बस से बाहर फेंक दिया था, तो इन्हें देखते ही इसे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये इनसे लड़ने लगता है। और ये लोग पागल थे ही, तो ये अपनी बस से इसका बाइक कुचलकर तोड़ देते हैं। वैसे ये पगलेट यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो खुद जिमी को बस से बाहर फेंका था ना। तो इनकी कहानी ये है कि उसे फेंकने के बाद जब ये अपने जमावड़े में गए थे, तो वहाँ इत्तेफाक से इनका जो लीडर था उसने भविष्यवाणी की थी कि उनका आने वाला जो जीसस है वो एक बबल में पैक होकर आएगा और उनमें से जो पवित्र आत्मा होंगे वो उसे उस बबल से मुक्त कराएंगे। तो क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जिमी उनके जीसस से मैच खा रहा था, और क्योंकि इनके लीडर ने यह भी बोला था कि जो भी उनके जीसस को आजाद करवाने में साथ नहीं देगा वो नर्क की आग में जलेंगे, उसे पाप लगेगा, तो क्योंकि इन्होंने अभी अभी उसे बस से बाहर फेंका था तो पाप से बचने के लिए ये उसे ढूंढने आ गए। खैर, इसी बीच जब जिमी अपने स्कूटर पर जा रहा होता है तभी इसके माँ बाप भी इसे ढूंढते हुए आ जाते हैं, पर इसे रोकने के चक्कर में ये इसकी और वाट लगा देते हैं। देखते ही इसकी माँ पगला जाती है और जल्दी ब्रेक मारने के चक्कर में उल्टा इसे ठोक देती है, जिससे ये सीधा उड़कर एक चलती हुई ट्रेन में घुस जाता है। खैर, यहाँ इसकी मुलाकात होती है सर्कस के कुछ जोकरों से। दरअसल ये पूरी ट्रेन ही सर्कस पार्टी की थी। वैसे ये लोग तो बहुत अच्छे थे, पर इनका लीडर डॉक्टर फ्रीक बहुत हरामी था। इसकी कहानी सुनकर ये इसका मजाक तो उड़ाता ही है, साथ ही इसे डिमोटिवेट भी करता है कि वो उसे कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो भी इन जोकरों की तरह ही है। खैर, ये सुनकर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और मारपीट में ये टिंगू बेहोश हो जाता है। वैसे अनजाने में ये इस टिंगू को हराकर इन्हें उससे आजाद कर देता है और इनका नया लीडर बन जाता है। हालांकि ये क्योंकि अपने मिशन पर था तो ये इन्हें छोड़कर भाग जाता है, पर बेचारे की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से भागकर जब ये एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ इसे एक इंडियन मिलता है, पुष्पा। वहाँ के लोग इसे परेशान कर रहे होते हैं तो ये उन लोगों को जैसे ही डांटता है तो वो लोग इसे डर जाते हैं और भागते हैं। पर सिर्फ भागते ही नहीं है, ये बीमार है ये सोचकर कि इसकी बीमारी उन्हें भी लग जाएगी, इससे बचने के लिए ये लोग इसके साथ साथ पूरा रेस्टोरेंट ही फूंक देते हैं। हालांकि यहाँ भी ये बच जाता है, पुष्पा की मदद करने के लिए ये उसे आकर बचा लेता है और इसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। हालांकि फिर डिप्रेशन में भी चला जाता है जब इसे पता चलता है कि इसे नायग्रा फॉल तक लिफ्ट चाहिए, पर ये इसे मना भी नहीं कर पाता क्योंकि हम इंडियंस अपनी जुबान से मुकरते नहीं है ना। पर पुष्पा के साथ भी इसकी जर्नी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि इन गोरों के मुताबिक हम इंडियंस को दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय रोड पर मरी हुई गाय के। हालांकि बात तो सही है पर दिखाने का तरीका थोड़ा सा गलत था। तो बीच रोड में इन्हें एक मरी हुई गाय दिखती है, जिसके बाद ये इसे नायग्रा फॉल तक लिफ्ट देने का वादा तोड़कर उस गाय की बीच रोड में पूजा करने बैठ जाता है। खैर, इसके बाद इसकी मुलाकात होती है पीपी से, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था। ये भी इसे नायग्रा फॉल तक छोड़ने को तैयार हो जाता है, पर उसके लिए ये इससे $500 मांगता है, जो कि ऑफकोर्स इसके पास नहीं था, पर जाना तो था ही। तो इसे बगल में एक बार दिखती है जहाँ एक डांस के $500 मिल रहे थे, तो बस फिर क्या, ये तुरंत बार में घुस जाता है। हालांकि आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा, $500 एक डांस के मिल रहे हैं तो वो भरतनाट्यम तो होगा नहीं। तो इसे यहाँ अपनी इज्जत नीलाम करनी पड़ती है, पर क्लोई के लिए कुछ भी। हालांकि चलो पैसों का भी जुगाड़ हो गया था, पर मुसीबत इसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ये पगलेट इसे ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाते हैं और इसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पर होल्ड ऑन, अब तक इसने रास्ते में जितने दोस्त बनाए थे वो इसकी मदद करने यहाँ पहुंच जाते हैं। दरअसल स्लिम की गाड़ी इन लोगों ने तोड़ दी थी ना, तो वो अपना और जिमी का बदला लेने के लिए अपनी पूरी बाइक गैंग को ही लेकर निकल गया था। हालांकि बीच रास्ते में इन्हें रोड पर जब पुष्पा उस गाय की पूजा करते हुए मिलता है, तो ये जब उससे जिमी के बारे में पूछने के लिए रुकते हैं तो ये पगलेट फिर से इस बार इसके पूरे गैंग की गाड़ी को कुचल देते हैं। पर ये लोग हार नहीं मानते, ये पुष्पा के आइसक्रीम ट्रक में लोड होकर इनका पीछा करते हैं। और इत्तेफाक से ये जोकर टीम भी पूरे शहर में घूमकर आजादी मना रहे थे, तो ये भी जिमी को देख लेते हैं और फिर सभी इसकी मदद के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद जिमी किसी तरह यहाँ से बचकर पीपी के साथ निकल जाता है। हालांकि इसी बीच जब ये जिमी को ढूंढने में नाकाम रहते हैं तो थक हार कर गुस्से में इसकी माँ क्लोई को कॉल कर देती है, जिससे क्लोई को पता चल जाता है कि ये उसके लिए घर से भाग चुका है, जिसके बाद अब ये भी जिमी का इंतजार करने लगती है कि किसी तरह ये शादी से पहले पहुंचकर उसकी शादी रुकवा दे। पर बेचारा जिमी फिर से मुसीबत में फंस जाता है। गाड़ी चलाते चलाते पीपी बीच रास्ते में टेम्बल जाता है और आज आखिरी दिन था, आज ही शादी थी। तो ये जब क्लोई को कॉल करता है कि वो बस पहुंचने वाला है, उसे जबरदस्ती शादी करने की कोई जरूरत नहीं, तो कॉल क्लोई का पति उठाता है और ये बहुत बड़ा कमीना था। ये इससे कहता है अब कोई फायदा नहीं, वो क्लोई को लेकर चला और क्लोई के लिए बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है और इसे एहसास करवा देता है कि वो क्लोई के लायक नहीं है। क्लोई उसे मिल भी गई तो क्या फायदा, वो उसे टच कर पाएगा नहीं तो संतुष्ट कैसे करेगा। जिसके बाद ये सुनकर जिमी को भी लगता है कि बात तो चुभने वाली है पर सही ही है, और अब तक के सारी रुकावटों को याद करके ये सोचता है कि शायद किस्मत भी नहीं चाहती कि वो क्लोई से मिले। जिसके बाद ये डॉक्टर फ्रीक को कॉल करता है सर्कस ज्वाइन करने के लिए कि उसकी जगह वही है, पर डॉक्टर फ्रीक को इसकी माँ ने किडनैप कर लिया था क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से ये इसकी ही ट्रेन में आ गिरा था ना। तो वो इसकी बातें सुन लेती है और इसे लेने आ जाती है।
और ये भी हार मान ही चुका था तो ये भी वापस चलने के लिए मान जाता है। पर जो बाप अब तक सिर्फ इसकी माँ की हाँ में हाँ मिलाता था, इसे उदास देखकर उनसे इसका दुख देखा नहीं जाता। तो वो इससे पूछते हैं, इस जर्नी में मजा आया कि नहीं, तो इसका जवाब ये हाँ में देता है। जिसके बाद ये इसे नील आर्मस्ट्रांग की कहानी सुनाते हैं कि वो पहला इंसान था जो चांद पर गया था, पर जाने के बाद भी उन्होंने उस पर कदम नहीं रखा। तो बेटा तुम ये गलती क्यों कर रहे हो, जिस जर्नी को शुरू किए हो उसे पूरा करो, क्या पता उसे उसका चांद मिल जाए। जिसके बाद बस फिर क्या, ये सुनकर इसमें हिम्मत आ जाती है और ये फिर से निकल पड़ता है। हालांकि बाकी सब भी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुंच जाते हैं, पर तभी इसी बीच पीपी का बड़ा भाई पेपे प्लेन लेकर यहाँ पहुंच जाता है और ये उस पर बैठकर उड़ जाता है। हालांकि बुढ़ापे की वजह से पेपे भी बीच हवा में टेंबल जाता है, पर इस बार ये आसमान से गिरकर खजूर में नहीं अटकता, ये सीधा नायग्रा फॉल में गिरता है और फाइनली शादी से ठीक पहले चर्च में पहुंच जाता है और क्लोई के लिए उसका प्यार सच्चा है ये साबित करने के लिए अपने बबल से बाहर आकर उसे किस करता है और मर जाता है। हैं, चौंकने की जरूरत नहीं है, ना ही आंसू बहाने का, सैड एंडिंग नहीं होती। जब ये मरा पड़ा होता है तो इसका बाप आता है और इसे कहता है कि चलो उठाओ तुम मरे नहीं हो, और इसकी माँ से सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है। जिसके बाद इसकी माँ इसे बताती है कि वो जब 4 साल का था तभी उसकी इम्यूनिटी वापस आ गई थी, पर उन्होंने उससे ये बात छिपा कर रखी क्योंकि वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई थी, वो नहीं चाहती थी कि वो इस जालिम दुनिया में बाहर आए। खैर, ये सब सुनकर ये अपनी माँ से गुस्सा नहीं होता क्योंकि उन्होंने ये जो भी किया प्यार की वजह से किया, और फिर फाइनली ये शादी कर लेता है और इसकी शादी में इसके सारे दोस्त आते हैं जो अब तक बने थे, और इसकी शादी की गाड़ी पीपी और पेपे चलाते हैं। दरअसल ये टपके नहीं थे, बुढ़ापे की थकान की वजह से कहीं भी सो जाते थे, और आखिर में ये भी पता चलता है कि स्लिम की जो गर्लफ्रेंड थी जो उसे छोड़कर चली गई थी किसी चोमू के लिए, वो इसकी माँ ही थी और वो चोमू इसका बाप, और इसकी माँ जो अब तक शरीफ बनते फिर रही थी असल में वो अपने जमाने में मॉमी नहीं बल्कि बैड मॉमी थी, और इन्होंने ये अय्याशी वाली दुनिया देख रखी थी इसलिए इन्होंने इसे कभी बबल से बाहर नहीं आने दिया था कि कहीं उनका बेटा भी उनकी तरफ बिगड़ न जाए। खैर, स्लिम से मिलने के बाद ये भी अपने रूप में वापस आ जाती हैं और इसका बाप भी अब तक की सराफत वाली जिंदगी को छोड़कर इनका गैंग ज्वाइन कर लेता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और हाँ जितने वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।